नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। अरे यार, ये सुबह सुबह किसका फोन आ गया? पूजा भी ठीक से नहीं करने देते हैं। प्रबल, इतनी सुबह सुबह? हेलो राजीव। यस सर, मुझे अर्जेंट 50,000 की जरूरत है, तेरे पास है क्या? जरा देना मुझे। प्रबल, तुम्हें तो मालूम है ना यार, कोरोना की सबसे बड़ी मार हम कलाकारों पे पड़ी है। कितने दिनों से घर पे खाली बैठे हैं, दूर दूर तक काम की कोई उम्मीद नहीं है। वैसे तो हम लोगों को 100 दिन के बाद पैसे मिल जाते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि अब जल्दी हमारे पास काम और पैसे आएंगे। मुझे तो डर है, जिस क्राइम सीरियल में हम दूसरों की दुर्घटनाओं पे एपिसोड बनाते हैं, कहीं इस लॉकडाउन के बाद हमारी ही दुर्घटनाओं पर नया एपिसोड बनने लगे। प्रबल, फिलहाल तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो खुद पूजा पाठ कर रहा हूँ। हे प्रभु, जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो और सबका काम काज शुरू हो। मैं शर्मिंदा हूँ यार। हेलो। अरे अजीब आदमी है यार, रेंट के नाम पे पेरेंट याद आ गए। अबे पैसे तुझे देना है, मुझे नहीं, पैसे उल्टा हमसे मांग रहा है। नहीं सर, मुझे अर्जेंट है, मेरी बात सुनो। अबे क्या सस्ता नशा कर रहे हो क्या? सर के बल गिर गए क्या? मानसिक स्थिति ठीक होगी तो बेटा परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। चल रहा कब? यार इसकी गांजे की शक्ल ने ना मेरी अकल को भ्रष्ट कर दिया है। अरे चाय, शांति लाओ। अरे शांति, चाय लाओ। अरे गिरी, फोन उठा ले यार, बज रहा है। चूजे का ही फोन है। तुम मेरे फोन पे क्यों थूक रहे हो? नहीं, अरे दारू तो गया यार, सैनिटाइज हो गया, देख कवर लगाया वैसे भी। यार ये कौन है जो लॉकडाउन में ओवर टाइम कर रहा है? अरे यार, सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। हेलो। हेलो यादव जी। हाँ बोलिए प्रबल साहब। मुझे मेरे सारे अवार्ड बेचने हैं, तकलीफ में हूँ। अरे प्रबल साहब, आज के टाइम में कौन तकलीफ में नहीं है? क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? बदले में मुझे 50,000 चाहिए, मेरी माँ की तबीयत खराब है। माँ? प्रबल साहब, आप एक छोटा सा काम कर दीजिए जिससे आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। आप ना एक ना वीडियो बनाए। हाँ भेज दूंगा मैं। और उसमें सिर्फ आपको इतना कहना है कि आपको ये अवार्ड्स मिले नहीं है बल्कि खरीदे हैं। क्या कह रहे हैं यादव जी आप? अरे आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि सारे अवार्ड मुझे मेरे मेहनत की वजह से मिले। आप इस बात के गवाह हैं। इस बात को मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, दुनिया थोड़ी ना जानती है। और वैसे भी प्रबल साहब, आप तो जानते हैं आजकल का माहौल कैसा है, लॉकडाउन का वक्त है, चारों तरफ सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, कोई भी सनसनी खबर हमारे पास नहीं है। तुम मुझे सनसनी खबर दो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। प्रबल साहब देखिए यादव जी, आप सर मेरी बातों को सुनिए। देखिए आप हाँ करते हैं या मैं ना करूं? अरे नहीं नहीं, ना मत करिए। ठीक, मैं करूंगा, लेकिन एक शर्त है, पैसे 50,000 पहले अकाउंट में भेज दीजिए मेरे। अरे प्रबल साहब, आप तो जानते ही हैं, बिल्कुल अभी लीजिए, होल्ड कीजिए। हाँ। ला 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 ला, 50,000। प्रबल साहब मोबाइल उठाइए और जरा चेक कीजिए।
हमने अपने वादे के अनुसार पूरे 50,000 रुपए आपके अकाउंट में भेज दिए। शुक्रिया। देखिए शुक्रिया से काम नहीं चलता, अब जल्दी से प्यारी सी वीडियो बनाइए। आपको पता है ना उसमें क्या क्या करना है? बस अब इंतजार रहेगा प्रबल साहब। यस। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्रबल कुमार सरल जी। आप मुझे मानते हैं ना कि मैं बेस्ट एक्टर हूं? मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले होंगे, रिवॉर्ड मिले होंगे। झूठ है, ये सारे अवार्ड जो आप देख रहे हैं ये मैंने खरीदे हैं, पैसे देके खरीदे हैं। आप बाहर जाके बात करो प्लीज। भैया पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, और तू कैसी है? भैया मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और माँ कैसी है? भैया डॉक्टर साहब ने बोल दिया माँ बिल्कुल खतरे से बाहर है। चलो बढ़िया, बहुत अच्छी न्यूज सुनाई। अपना ख्याल रखना, किसी बात का टेंशन मत लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी फोन करना, ठीक है? जी। भैया आप भी अपना ख्याल रखना। प्रबल कुमार सरल, ना तू प्रबल है ना तू सरल है, तेरी काली करतूत वीडियो के रूप में मेरे और पब्लिक के सामने है। ये नॉन टैलेंटेड शख्स जिसको मैं स्ट्रगल टाइम से जानता हूँ, ये जिस जगह पर भी जाता है, जिस सेट पे भी जाता है, जिस सम्मान समारोह में जाए या फिर किसी अवार्ड फंक्शन में जाए, ये प्रबल कुमार सरल अवार्ड खरीदता है। इसने एक नहीं सैकड़ों अवार्ड खरीदे हैं, और तो और इसने जो पहली फिल्म बनाई थी उसमें पैसे भी खुद ही लगाए थे, पता नहीं वो पैसे कहां से आए थे। और जब वो फिल्म हिट हो गई तो हिट होने के बाद इस प्रबल कुमार सरल ने अपनी घटिया करतूतें दिखाना शुरू कर दी। एक महान शख्सियत जिनका नाम है गिरी, उनको आंख दिखाना शुरू कर दिया, जिनकी वजह से ये नॉन टैलेंटेड फिल्मी कलाकार नोवेयर से समवेयर हुआ और समवेयर से एवरीवेयर हुआ। देखो किसको दिए मकान, किसको दिलवाई हो, वाट लगा दिया मकान की भी और दिमाग की भी। मन तो कर रहा है ना कि इसमें अंदर घुस के इसके मुंह पे मारो और इसके पूरे 64 दांत गिरा डालो। 64 दांत तो 32 होते हैं। अरे 32 तुम्हारे भी गिन लिया था। लेकिन ये स्ट्रगलर आर्टिस्ट के नाम पर बदनुमा दाग है, जिसने बड़े प्रोड्यूसर जिनका नाम है गिरी उनके साथ बदतमीजी की और अपनी औकात दिखाई। वो कहते हैं ना कि जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता, वैसे प्रबल कुमार सरल को तरक्की हजम नहीं हुई। और एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि अल्लाह मेहरबान तो नल्ला पहलवान। और अंदर की खबर हम आपको बताएं इस कुत्ते के बारे में, और यही वो शख्स है जिसने इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म को बढ़ावा दिया है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को दूर दूर तक फैलाएं। और सुन प्रबल कुमार, तू एक नंबर का झूठा है, मक्कार है। तू क्या समझता है इस जमाने में कलाकार नहीं मिलते? अरे वो दिन लद गए जब 1 रुपए में 1 कलाकार आता था, आज 4 आने में 4 कलाकार आते हैं। और देखना तू आने वाले टाइम में बावली में एक नहीं पूरे 50,000 कलाकार मिलेंगे। दोस्तों मेरी आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है, विनती है, प्रार्थना है, आप सिर्फ आप ही वो शख्स हैं जो मेरे दिल की मुराद पूरी कर सकते हैं। इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए, समाज को बताइए कि प्रबल कुमार एक नंबर का लुक्खा है, इसका खानदान भी लुक्खा है, ये जानवर है, ये अश्लील है, ये नामुराद है, ये शराबी है, ये घटिया इंसान है। दोस्तों मैं आप सबसे इल्तिजा करता हूँ हाथ जोड़कर कि मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि ये प्रबल कुमार चोर है, एहसान फरामोश है, जिसने गिरी को आंखें दिखाई थी। पूरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक इस शैतान पर, इंसान नुमा टुच्चे पर थूकता है। और इसी तरह से मैं आपका गुलाम हर नकली कलाकार का नकाब उतारता रहूंगा। नमस्कार। वचन दिया, सोचा नहीं होगा क्या परिणाम, सोच समझ कर कर मूर्ख जीवन के हर काम। मैं लंकेश, मैं रावण, मैं दशानंद सर्वशक्तिमान, तिस चौपाट कांटो
तिरछा फॉर काटो हाय सड़ो मी योगक्षम वहां में हम तमसोमा ज्योतिर्गमय डाक सुने क्यों ना आशे तबे एकला चलो रे Yes. मैंने कहा था ना किरण, ये वीडियो वायरल होगा, पूरी दुनिया में इसने तहलका मचा दिया है। You are always right, sir.